हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम सभी पुनः अपने इस भौतिक भूगोल के सीरीज के साथ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इस समय हम लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज का हमारा ये टॉपिक भी है। इससे पहले बच्चों, हम लोगों ने पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत पे हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारा ये जो पृथ्वी है, यह वास्तव में इसका निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने इसके संदर्भ में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से अपने अपने मतानुसार पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जटिल गुत्थी को समझाने का प्रयास किया है। ठीक इसी के संदर्भ में अब आज हम लोग अगले चैप्टर पे चल रहे हैं और आज जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वह हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। ठीक इसी पे आज हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप जानें कि जिस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो संरचना थी या पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो विचारधारा थी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको जानना जितना कठिन है, इस पहेली को अभी तक लगभग सुलझाना सबके द्वारा संभव नहीं हो पाया, अभी तक यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, पृथ्वी का जो ये आंतरिक भाग है, इंटीरियर पार्ट है अर्थ का हमारे, पृथ्वी के इस आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना एक बहुत ही जटिल कार्य है। क्यों इस नाते है? क्योंकि सबसे पहली जो समस्या है वह पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अपारदर्शी है और इसके साथ साथ वह अपारगम ही है। ना तो हम इसमें जा ही सकते हैं और न इसको स्पष्ट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो जिसके बारे में ना देख पाए और जिस जहां तक हम लोग जा ना पाए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक बड़ा ही चिंतनीय कार्य होता है, एक जटिल कार्य होता है। ठीक ना, तो इसकी संरचना बहुत ही जटिल है और इतनी ही जटिलता इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना भी है। फिर भी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार आगे चल करके इसके आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया है। हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ठीक, और पृथ्वी का जो व्यास है, पिछले टॉपिक में हम लोग वीडियो में हम लोग पढ़े भी हैं, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधी जो चीजें हैं, इससे एक चीज तो पता चलता है कि वास्तव में पृथ्वी का निर्माण होने के बाद इसका आंतरिक भाग किस रूप में होगा। ठीक इसी पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हेडिंग्स हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत। ठीक ना, क्योंकि आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे स्रोतों का सहारा लिया गया है और उन सभी के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं या इकट्ठा करने में हमें सहायता मिला है। इन सभी स्रोतों को हम लोग, जो हमारे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को बच्चों तीन भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। यहां पे देखें, पहला आपका है, दूसरा है, फिर तीसरा है। अब इसी एक एक पे हम लोग चर्चा करेंगे और इसी के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी भी इकट्ठा करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। अब एक एक पे आए हम लोग देखें, तो सबसे पहला है, जो पहला स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक
भाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए बच्चों, वह है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कारक। ठीक पिछला टॉपिक, पिछला चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार इसके बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया, जिसमें कास्ते दफन का आपको नाम आता है। 1749 ईस्वी में या पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने प्राचीन समय से चले आ रहे ईश्वरी और धर्म पर आधारित संकल्पना का इन्होंने खंडन किया और बताया कि पृथ्वी का निर्माण कोई काल्पनिक या ईश्वरी कल्पना नहीं है या ईश्वरी देन नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिकता और तर्क पर आधारित घटना है, प्राकृतिक घटना है, जिसको हम लोग समझा के जान सकते हैं। ये पहला ऐसा अवसर था। इसके बाद विद्वानों का मत आगे चल के चिंतन किया और दो भागों में विभाजित होता है, आप पढ़े भी हैं, एक को अद्वैतवादी, अद्वैतवादी विचारधारा में रखा गया, और दूसरे को द्वैतवादी में, द्वैतवादी विचारधारा में। ठीक, अद्वैतवादी के जो समर्थक थे उनका मानना था कि पृथ्वी का निर्माण एक तारे से हुआ, यानी कि तारे से हुआ है, यह इन लोगों ने क्लियर किया था। और दूसरा आगे चलकर के विचारधाराओं का एक नई विचारधारा आई जिसको द्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक और नई विचारधारा उत्पन्न होकर के आई जिसको हम लोग नवीन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नवीन सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यह नवीन सिद्धांत था और इसको जॉर्ज लेमेत्रे महोदय ने लाया था, बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने बताया कि पृथ्वी का निर्माण एक विस्फोटक घटना का दिन, एक महाविस्फोट हुआ था। ठीक है, तो अपने अपने मतानुसार इन विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, संकल्पनाओं के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक, इसमें चेम्बरलिन और मॉल्टन का ग्रहाणु संकल्पना है, उसके बाद आप देखेंगे जीन्स एंड जेफरीज का ज्वारी संकल्पना है। जीन्स एंड जेफरीज ने क्या बताया, ये द्वैतवादी में थे, जीन्स एवं जेफरीज महोदय, जीन्स एवं जेफरीज इन्होंने ज्वारी संकल्पना दिया है, ज्वारी संकल्पना। ठीक है, ज्वारी संकल्पना में क्या बताया इन्होंने कि सूर्य था और सूर्य के बाद एक और विशालकाय तारा था ब्रह्मांड में, और यह क्या कर रहा था, घूम रहा था। जैसे जैसे घूमते घूमते यह सूर्य के नजदीक आता चला गया, वैसे वैसे सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ और वह ज्वार बाहर की ओर निकल गया श्रृंग के रूप में, और कालांतर में वह टूट करके 9 भागों में विखंडित होता है, और इसी प्रकार से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। आगे चल करके इसी के संदर्भ में ऑटो स्मिथ साहब ने अंतर्ध्रुव तारक संकल्पना का निर्माण किया, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में बहुत बड़े पैमाने पर धूल कण बादल गैसें बिखरे हुए अवस्था में थे, और सूर्य जब अपनी आकाश गंगा से गुजर रहा था तो अपनी आकर्षण शक्तियों के कारण बच्चों उसने क्या किया, इन सभी को आकर्षित कर लिया, और ये सभी क्या हो गए, कालांतर में ठंडा होकर के संघनित होकर के धीरे 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 संघनित होकर ठोस रूप में परिवर्तित होकर ग्रहों के रूप में बदल गए। ठीक, तो एक तरह से आप देखें तो चेम्बरलेन और माल्टन का जो ग्रहण संकल्पना है, उन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इंटीरियर पार्ट है पृथ्वी का, वह ठोस अवस्था में है। इसके अलावा जीन्स एवं जेफरीज महोदय का जो ज्वारी संकल्पना था, उसमें जेफरीज महोदय और जीन्स महोदय ने बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इंटीरियर पार्ट है, ठीक ना, वह तरल अवस्था में है। ठीक, तो माल्टन महोदय कहते हैं ठोस है, और जीन्स एवं जेफरीज महोदय बताते हैं कि यह द्रवित अवस्था में है। तो यह एक माध्यम हो सकता है, यह एक माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर प्राप्त कर सकते हैं।
थोड़ा सा हमें उसके बारे में जानकारी जरूर मिल सकता है। अब हम लोग पृथ्वी के आंतरिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कारक में कोई दिक्कत तो है नहीं, क्लियर है, मतलब इसको आधार बनाया जा सकता है जिसके आधार पर जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यह एक स्रोत है जो विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अपने विचारों को व्यक्त किया, तो इसको भी हम लोग एक माध्यम में रख सकते हैं। बच्चों दूसरे क्रम में आता है अप्राकृतिक स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने में दूसरा जो स्रोत है वह है अप्राकृतिक स्रोत। इसमें तीन चीजें आती हैं मुख्य रूप से, एक आता है आपका तापमान टेम्परेचर, दूसरा आता है आपका दबाव प्रेशर, और तीसरा आता है बच्चों घनत्व। इनके द्वारा भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। विद्वानों का ऐसा मानना है, जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं उन लोगों ने एक अनुमान के तहत पता लगाया कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तापमान बढ़ता है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम जाएंगे वैसे वैसे तापमान बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है अत्यधिक टेम्परेचर के कारण से द्रवित अवस्था में हो गया होगा, द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया होगा। एक चीज जरूर ध्यान देंगे आप, यह जो 32 मीटर की गहराई पे तापमान बढ़ रहा है वह हर जगह एक समान नहीं है, बढ़ता तो है लेकिन गहराई जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका जो बढ़ने का जो दर है उसमें कमी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि जिस रेशियो से 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो ऐसा हर जगह है, उसके आंतरिक के अंतिम छोर तक ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे जैसे गहराई में हम जाते हैं वैसे वैसे तापमान के वृद्धि दर का जो रेशियो है वह निरंतर कम होता चला जाता है लेकिन बढ़ता है, ठीक ना। दूसरा आपका है दबाव। सबसे ऊपरी परत निचली परत के ऊपर है, फिर निचली उसके निचली वाली पे, निचली उसके निचली वाली पे, यानी कि सबसे जो नीचे की परत होगी पृथ्वी के आंतरिक भाग की वह काफी दबाव के कारण से ठोस के रूप में परिवर्तित हो गई होगी, और जब जिसका अवस्था ठोस हो जाता है सर्वाधिक रूप में वह उसका घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा, ठीक ना। पृथ्वी का यदि आप चाहें तो एक चीज नोट कर सकते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, जबकि इसके ऊपरी भाग में यदि हम लोग इसको पृथ्वी का ऊपरी छोर माने तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उस भाग के घनत्व की जो चट्टाने हैं, मतलब जो चट्टाने हैं उसका घनत्व लगभग 2.9 के आसपास आता है। जैसे जैसे हम लोग आंतरिक भाग में जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में वृद्धि देखने को मिलता है। ऊपर घनत्व कम है जबकि नीचे घनत्व बहुत अधिक है, लगभग 13 के आसपास है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित होगा, ठीक। यह भी एक माध्यम है जिसके बारे में हम लोग जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बच्चों अब इसके बाद हमारा आता है पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तीसरे स्रोत का, और तीसरा स्रोत बच्चों है प्राकृतिक स्रोत, ठीक। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और ज्वालामुखी, ये दो माध्यम है। एक तो है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी और दूसरा आपका भूकंप, भूकंप। इन दोनों के द्वारा भी बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले यदि हम बेलकोनोज पे ध्यान दें, ज्वालामुखी पे, तो
ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो मैग्मा तप गर्म मैग्मा जो बाहर निकलता है बिल्कुल तरल होता है, लिक्विड रूप में होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कुछ गहराई तक वह लिक्विड के रूप में होगा, तरल के रूप में होगा, तभी तो बाहर आता है ना, है कि नहीं। तो इस आधार पर भी यह भी एक माध्यम हो सकता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बच्चों सबसे जो बेस्ट माध्यम है स्रोत के रूप में वह है अर्थ के भूकंप, ठीक, या भूकंप विज्ञान। बच्चों सिस्मोलॉजी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके द्वारा वर्तमान समय में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत हद तक सार्थक सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा विद्वानों ने काफी बड़े पैमाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया है। सर्वप्रथम यदि आप देखें तो यदि हम यदि अर्थ को बनाएं तो पृथ्वी पर अनेकों जगहों पर भूकंप आते हैं ना। और उस भूकंप को हम लोग किससे नापते हैं, सिस्मोग्राफी से, सिस्मोग्राफी यंत्र है। इसी के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, ठीक। सर्वप्रथम बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि भूकंप सबसे पहले जहां आता है, यहां जैसे मान लीजिए पृथ्वी का इस पे हम लोग रहते हैं, सरफेस पे एक क्रस्ट है, ऊपरी परत है, भूप्रपटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहां मान लीजिए आपस में चट्टाने टकराई पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो सबसे पहले जहां ये टकराती हैं उसको हम लोग भूकंप का मूल बोलते हैं। क्या नाम है उसका, भूकंप मूल। और सबसे पहले जब वो टकराती हैं तो हर तरफ वो शक्तियां बाहर निकलती हैं, हर तरफ निकलती हैं। तो यहां पर इसके सीध में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक, सीधे वो सीधे निकलती हैं। तो सर्वप्रथम जहां वह धरातल से टकराती हैं यानी सबसे पहले उसे महसूस किया जाता है उस दबाव को या उस टकराव को, उसको हम लोग भूकंप केंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं, अभिकेंद्र, ठीक ना, अभिकेंद्र बोला जाता है, ठीक। मतलब इसके द्वारा भी हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जानकारी प्रदान करने में जो सबसे प्रमुख सहायता प्रदान करता है वह भूकंप की तीन तरंगें होती हैं जिसमें हम लोग लहरें होती हैं, और इन्हीं लहरों के माध्यम से बच्चों हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एक पी है, फिर एस है, फिर एल है, प्राइमरी सेकेंडरी और लैंडवेज। ये तीनों के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसमें अगले वीडियो में जब हम लोग भूकंप टॉपिक को पढ़ेंगे तो इस पे विस्तृत चर्चा होगा, लेकिन सामान्य तौर पे मैं बता दूं यह प्राथमिक तरंगें होती हैं। इस सभी तरंगों में इसकी जो गति होती है चलने की सबसे अधिक होती है, कहीं कहीं पर 8 से लेकर के 11 किलोमीटर के बीच होता है प्रति सेकेंड के आसपास, और यह सबसे तीव्र गति से चलती है, ठीक ना। ठोस में यह बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन जैसे इनके मार्ग में लिक्विड पार्ट्स आ जाता है या कोई द्रवित क्षेत्र आ जाता है वैसे इनकी गति प्रभावित होकर के मंद हो जाती है, ये इनकी विशेषताएं हैं। एस तरंगे पी की अपेक्षा थोड़ा मंद गति से चलती हैं, लेकिन यदि इनके चलने के मार्ग में यदि कोई तरल क्षेत्र आ जाए, लिक्विड पार्ट आ जाए, तो इसकी चलने की गति एकदम न्यून हो जाती है, बल्कि कहें आपकी मंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक, यानी कि तरल के क्षेत्र में यह नहीं चलती हैं। और जो एल तरंगें होती हैं इसे हम लोग धरातली तरंगों के भी नाम से जानते हैं, और यह इनकी चलने की जो गति है सबसे मंद होती है, लेकिन यह धरातल के ऊपर चलती हैं, इसी वजह से यह इसको हम लोग यह सबसे प्रभावशाली होती हैं, सबसे विनाशकारी होती हैं, ठीक, और यह किसी भी रूप में चल सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है यह किसी भी रूपों में चल सकती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करने के जो स्रोत हैं, यह टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों अगले दिन हम लोग
पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में इन स्रोतों के अलावा भी अन्य विद्वानों ने भी, जैसे स्वेस हैं, अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं, इनके द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर चर्चा किया गया है और अगले वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आज के क्लास में आप लोगों को जोड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।